गाइज़ वेलकम टू डेवॉप्स प्रो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी कंटेनर पॉड्स एंड इनट कंटेनर्स के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कंटेनर पॉड्स के बारे में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टी कंटेनर पॉड यानी कि एक ही पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स का होना उसको कहते हैं मल्टी कंटेनर पॉड अब बात यह आती है कि हम मल्टीपल कंटेनर्स एक ही पॉड में डिप्लॉय क्यों करेंगे तो कभी कभार आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है जहां आपको मेन कंटेनर के साथ एक और हेल्पर कंटेनर रिक्वायर्ड हो जो मेन एप्लीकेशन के साथ साथ चले सेम नेटवर्क में रहे ताकि वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें सेम स्टोरेज शेयर करें अब यहाँ एक बार समझते हैं कि ये हेल्पर कंटेनर आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता है नंबर वन अगर मेन कंटेनर आपका वेब एप्लीकेशन का कंटेनर है तो आप एज ए हेल्पर कंटेनर लॉगिंग एजेंट या मॉनिटरिंग एजेंट को डिप्लॉय कर सकते हो जो आपके लिए एप्लीकेशन के लॉग्स को कलेक्ट करेगा और उसे एक स्टोरेज पर स्टोर करवाएगा तो ये है हमारा फर्स्ट यूज़ केस सेकंड, अब जब हमने लॉग्स की बात करी है तो हर एप्लीकेशन के लॉग्स का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है यानी कि अगर रूबी एप्लीकेशन है तो उसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा पाइथन या गो एप्लीकेशन है तो उसका लॉग्स का फॉर्मेट कुछ अलग होगा और ऐसे अलग अलग फॉर्मेट की लॉग्स को रीड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो यहाँ आपका हेल्पर कंटेनर ऐसा हो सकता है जो सारे लॉग्स को रीड करे और एक कॉमन फॉर्मेट के अंदर सबको चेंज कर दें और एक कहीं पर स्टोर करवा दें तो ये था हमारा सेकंड यूज़ केस नंबर थ्री हो सकता है आपकी वेब एप्लीकेशन को मल्टीपल डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता हो और वो सारे डेटाबेस आउटसाइड द क्लस्टर डिप्लॉय हो और हम ऐसे में नहीं चाहते हैं कि हमारी वेब कंटेनर एक्सटर्नल एंड पॉइंट से कनेक्ट करें फॉर सिक्योरिटी रीज़न तो हम एक प्रॉक्सी कंटेनर एज ए हेल्पर कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हैं जिससे हमारी वेब एप्लीकेशन तो सारे डेटाबेस को लोकल होस्ट से ही एक्सेस करेगा और प्रॉक्सी कंटेनर जिस भी डेटाबेस को वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहती है उस पर उसे रीडायरेक्ट कर देगा तो ये था हमारा थर्ड यूज़ केस यहाँ हमने तीन यूज केस की बात की है जिसमें जो हमारा फर्स्ट यूज़ केस था जहाँ हम लॉगिंग एजेंट एज ए हेल्पर कंटेनर डिप्लॉय कर रहे थे और वो लॉग्स को कलेक्ट करके कहीं स्टोरेज पर स्टोर करवा रहा था ऐसे हेल्पर कंटेनर को हम साइड कार कंटेनर कहते हैं सेकंड जहां हेल्पर कंटेनर सारे डिफरेंट लॉग्स फॉर्मेट को एक फॉर्मेट में चेंज कर रहा था ऐसे कंटेनर को अडेप्टर कंटेनर कहते हैं एंड थर्ड जहां वो एज ए प्रॉक्सी कंटेनर वर्क कर रहा था उसे हम एम्बेसिडर कंटेनर कहते हैं साइटकार अडेप्टर एंड एम्बेसिडर ये तीनों डिज़ाइन पैटर्न होते हैं मल्टी कंटेनर्स में हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें डिप्लॉय करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मल्टी कंटेनर पॉड में एक भी कंटेनर फेल हो जाता है तो पूरा पॉड रीस्टार्ट होता है और यहाँ सारे कंटेनर सेम स्टोरेज को शेयर करते हैं एक ही नेटवर्क में होते हैं ताकि वो इजीली कम्युनिकेट कर सके और सारे कंटेनर्स एक साथ मिल काम करते हैं एक ही साथ क्रिएट होते हैं और एक ही साथ डिलीट होते हैं तो ये था मल्टी कंटेनर्स पॉड क्या होते हैं और तीनों डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में वैसे अगर आपको मल्टी कंटेनर पॉड डिप्लॉय करना हो तो अगर आपको पता हो तो पॉड की यामल फाइल में स्पेक के अंदर कंटेनर्स की फील्ड एक अरे होती है तो वहीं पे आप मल्टीपल कंटेनर्स को बता सकते हो ऐसे ही मल्टीपल कंटेनर्स डिप्लॉय होते हैं साइट कार अडेप्टर एंड एम्बेसिडर का अलग से कोई डिप्लॉयमेंट का तरीका नहीं होता है वो ऐसे ही एरे में ऐड करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं तो ये था मल्टी कंटेनर पॉड्स के बारे में अब बात करते हैं इनट कंटेनर्स के बारे में इनट कंटेनर्स मल्टी कंटेनर से अलग होते हैं ये मेनली इनिशलाइजेशन पर्पस से काम आते हैं इसलिए ये कंटेनर मेन कंटेनर से पहले रन होते हैं अपना काम कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद में मेन कंटेनर स्टार्ट होता है इनिट कंटेनर्स ऐसे काम करने में काम आते हैं जो हम वेब एप्लीकेशन के रनिंग आने से पहले करवाना चाहते हैं जैसे गिटहब से कोड क्लोन पहले से करवा के रख सकते हैं लाइब्रेरीज इंस्टॉल करवाना डेटा के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना ऐसे सारे काम जो हम पहले से करवा के रखना चाहते हैं वेब एप्लीकेशन के रनिंग आने से पहले तो वो काम हम इनिट कंटेनर से करवा सकते हैं इनिट कंटेनर्स मेन कंटेनर से पहले रन होते हैं अपना टास्क कंप्लीट करके कंप्लीटेड स्टेट में चले जाते हैं उसके बाद मेन कंटेनर स्टार्ट होता है अब बात करते हैं कि इनिट कंटेनर कैसे क्रिएट होते हैं तो क्रिएट करने के लिए आपको पॉट डॉट यामल फाइल में स्पेक् सेक्शन में इनिट कंटेनर्स की फील्ड को ऐड करना होता है जिसमें आप कंटेनर का नेम एंड इमेज प्रोवाइड करते हो और कमांड फील्ड का यूज़ करके जो भी कमांड आप रन करवाना चाहते हो यहाँ मेंशन कर सकते हो इनट कंटेनर्स की फ़ील्ड भी एक अरे होती है तो आप यहाँ मल्टीपल इनट कंटेनर्स ऐड कर सकते हो अगर मल्टीपल इन्ट कंटेनर्स होते हैं तो वो सिक्वेंशली एक के बाद एक रन होते हैं एक अपना टास्क कंप्लीट करेगा उसके बाद में सेकेंड इनट कंटेनर स्टार्ट होगा और सेकंड के कंप्लीट होने के बाद आपका मेन कंटेनर रन होगा तो ये था इनट कंटेनर्स के बारे में आज की वीडियो में हमने मल्टी कंटेनर पॉट्स उसके डिज़ाइन पैटर्न्स, साइड कार अडेप्टर एंड एम्बेसटर एंड इनट कंटेनर्स के बारे में सीखा अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं बाकी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में Thank you.